सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। कानपुर में न्यूजीलैंड और भारत का मैच रोमांचक रहा, जहां भारत ने मेहमान टीम को 6 रनों से शिकस्त दे दिया। वहीं अपनी जमीन पर लगातार 7वां सीरीज जीतकर इतिहास बना दिया है। टीम इंडिया ने मैच 2-1 से सीरीज जीतकर अपने नाम किया। हिस्ट्री में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पूरे 13 मैच हुए हैं, जिसमें टीम इंडिया 7 मैच जीती है और 2 ड्रॉ हुए हैं। कानपुर में हुए सीरीज के आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर सबसे पहले फील्डिंग चुना, जिसके बाद टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए। मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 29 के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। इसके बाद रोहित और विराट ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 230 रन की पार्टनरशिप की। 230 रन की इस पार्टनरशिप ने इतिहास बना दिया है। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 147 और विराट कोहली ने 113 रन की इनिंग खेली। धोनी ने 25, जाधव ने 18 और शिखर ने 14 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी मेहमान टीम की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन भुवनेश्वर और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग ने उन्हें टिकने नहीं दिया। न्यूजीलैंड के बैट्समैन आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बना सके और टीम 6 रन से मैच हार गई। न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 331 रन बनाए। कोलिन मुनरो ने 75, टॉम लेथन ने 65 और केन विलियमसन ने 64 रन बनाए। भारत के लिए बुमराह ने 3 विकेट लिए तो चहल ने 2 विकेट लिए और भुवी को 1 विकेट मिला। मैच में 147 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच चुने गए और विराट मैन ऑफ द सीरीज रहे। कानपुर में भारत की शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड को लगातार 7वां सीरीज मैच हराकर भारत ने इतिहास बना दिया है। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली की पार्टनरशिप मानी जा रही है कि अब तक के क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबी रनों की पार्टनरशिप रही है। वहीं विराट कोहली के कैप्टेंसी में अभी ये माना जा रहा है कि अब तक विराट कोहली की जो कैप्टेंसी हुई है उसमें लगातार टीम इंडिया शिखर पर पहुंच रहा है। कैमरामैन जय के साथ अमित, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।